हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सूर्य ग्रहण क्यों होता है। अगर हम साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो क्या होता है, हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। ये आपको जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये ब्लू कलर का है, ये है अर्थ, और जो रेड कलर का है ये है सन, और ये बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये है मून। तो ये मून जो है वो किस किस के बीच में है, अर्थ और सन के बीच में। अगर हम अर्थ से सन को देखेंगे तो हमें सन जो है वो कैसा दिखाई देगा, पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा, या तो ये रिंग फॉर्म में दिखाई देगा। अगर ये मून सन को पूरी तरह से कवर कर लेता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। अगर ये मून सन को पूरी तरह से कवर न कर पाए तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण। इस तरह का पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या है, जब मून सन को पूरी तरह से कवर कर ले, और आंशिक सूर्य ग्रहण क्या है, जब मून सन को पूरी तरह से कवर न कर पाए। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण है वो कब दिखाई देता है, मोस्टली पूर्ण सूर्य ग्रहण है वो दिखाई देता है हमें अमावस्या को। वैसे तो ये खगोलीय घटना है सूर्य ग्रहण, लेकिन सूर्य ग्रहण का एक साइंटिफिक रीजन यही है कि जो मून है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है। अब हम बात करें कभी कभी ये क्या है, रिंग के फॉर्म में भी दिखाई देता है। जिस तरह से क्या है, कोई सा चंद्रमा जो है वो सन को पूरी तरह से कवर न कर पा रहा है। देखिए आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है ये पूरी तरह से कवर नहीं है, तो ये एक रिंग फॉर्म में इस तरह का ही बनता है। इस तरह को हम कहते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण या रिंग फॉर्मेट सूर्य ग्रहण। तो ये है सूर्य ग्रहण के बारे में, यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। अब है आंशिक सूर्य ग्रहण। जब मून है वो सन को पूरी तरह से कवर ना करे तो उस वाले कंडीशन को हम कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। तो इस तरह से पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या है और आंशिक सूर्य ग्रहण कहाँ है, ये आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिल गई हो। अगर आपको चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पूर्ण सूर्य ग्रहण है वो किसी साइंटिस्ट के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता, क्योंकि इसी दिन सूर्य ग्रहण के दिन ही 1968 में लार्केक नामक साइंटिस्ट ने क्रोमोस्फीयर में हीलियम गैस की उपस्थिति का पता लगाया था। तो इस तरह से साइंस की दृष्टि से ये एक बहुत ही रोचक तथ्य है। ऐसे ही आइंस्टीन का जो मत है वो भी सूर्य ग्रहण के समय ही प्रतिपादित किया गया था। तो ये है सूर्य ग्रहण के बारे में थोड़ा सा रोचक तथ्य साइंस की दृष्टि से। लेकिन सूर्य को कभी भी नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि नासा ने भी बताया है कि अगर हम नेकेड आई से सूर्य ग्रहण को देखते हैं तो ऐसी कंडीशन में आईज की रेटिना खराब हो सकती है और कभी कभी तो ब्लाइंड भी हो सकते हैं। तो इसलिए सूर्य को कभी भी सूर्य ग्रहण को देखने के लिए हमेशा एक्सरेज का या सनग्लासेस का यूज करें। तो ये है सूर्य ग्रहण के बारे में कम्प्लीट जानकारी।